हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद अस। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस जो करने वाले हैं वो है टेंस। टेंस जो है काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग इंग्लिश स्पीकिंग कर रहे हैं या फिर राइटिंग कर रहे हैं, सभी के लिए जो है टेंस का आना काफी जरूरी है। तो इस वीडियो में मैं आपको जो टेंस के जितने भी रूल्स होते हैं वो सारे समझाने वाला हूँ, ठीक है। कई वीडियोस यूट्यूब पर होंगी जहां पर आप 10 मिनट में, 15 मिनट में, 20 मिनट में टेंस सीखे होंगे, लेकिन टेंस की ये सारे रूल्स जो है जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो अगर आप टेंस सीख रहे हैं मेरे से तो आप अपने साथ एक कॉपी रखें और एक पेन रखें, क्योंकि इसमें मैं जितने भी रूल्स बताने वाला हूं सारे के सारे इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी भी टेंस की वीडियोस नहीं देखेंगे, ठीक है। तो एंड तक वीडियो को देखें। वीडियो एक घंटे के अंदर जो है मैं कोशिश करूंगा सारे के सारे रूल्स जो है आपको समझा दूं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, ताकि जब जब हम वीडियो डालें तब तब आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, टेंस जो होता है, जिसे हिंदी में हम कहते हैं काल, तो ये टेंस जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। हिंदी में इन्हें कैसे कहते हैं? हिंदी में कहते हैं इसे वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल, ठीक है। प्रेजेंट टेंस में हम ऐसे सेंटेंसेस को बनाते हैं जो अभी चल रहे हैं, जैसे कि मैं पढ़ता हूं, ठीक है, मैं पढ़ रहा हूं, ऐसे इस टाइप के सेंटेंसेस हम जो बनाएंगे वो हम बनाएंगे प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। फिर उसके बाद ऐसे सेंटेंसेस जो काम खत्म हो चुका है जिसपे, या कहें कि जो काम बीत चुका है, उस टाइप के जब सेंटेंस हम बनाते हैं तो ऐसे सेंटेंसेस कहलाते हैं पास्ट सेंटेंस, ठीक है, या पास्ट टेंस। जैसे कि मैंने खाना खा लिया, या फिर मैं खाना खा रहा था, इस टाइप के सेंटेंस हम पास्ट टेंस के अंदर बनाएंगे। और फ्यूचर टेंस की अगर हम बात करें तो फ्यूचर टेंस में हम ऐसे सेंटेंसेस बनाएंगे जो होने वाला है, ठीक है, जो आने वाला है या फिर जो होने वाला है। जैसे कि मैं खाना खाऊंगा, मैं पढ़ने जाऊंगा, तो इस टाइप के सेंटेंसेस हम फ्यूचर टेंस में बनाने वाले हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब प्रेजेंट टेंस के अंदर, ठीक है, प्रेजेंट टेंस के अंदर हम चार टाइप के टेंसों की बात करेंगे, ठीक है। प्रेजेंट टेंस में मैं आपको बताऊंगा इंडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस में कितने हो गए? चार टाइप के हो गए, ठीक है, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इंडेफिनिट की अगर मैं बात करूं, इंडेफिनिट टेंस जो है ये भी जो है चार भागों में बटा हुआ है। अगर मैं WH फैमिली और WH फैमिली नेगेटिव को भी इसमें जोड़ लूं तो छह टाइप के सेंटेंस बनेंगे सिर्फ और सिर्फ इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से छह टाइप्स के जो है कंटिन्यूअस में भी सेंटेंस बनेंगे, परफेक्ट में भी छह टाइप्स के सेंटेंसेस बनेंगे और परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी छह टाइप्स के सेंटेंसेस बनेंगे, ठीक है। तो इंडेफिनिट में पहले जो हम सीखेंगे वो सीखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस, उसका ओके तो ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की चारों के चारों रूल्स, जिसमें अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव, ठीक है। तो चारों टाइप के सेंटेंस जो है मैंने इसमें बना दिए हैं इंडेफिनिट टेंस की। तो एफर्मेटिव की अगर हम बात करें, सबसे पहले ये जानना आपके लिए जरूरी है कि इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है, कैसे हम पता करेंगे कि कोई भी सेंटेंस जो है वो इंडेफिनिट है या फिर कॉन्टिन्यूअस है। तो याद रखें, जिस सेंटेंस के लास्ट में, हिंदी में आप कोई भी अगर सेंटेंस बनाते हैं और अगर उसके लास्ट में ता है, ती है या ते है, जैसे हिंदी के शब्द दिखें, ठीक है, तो आप ये समझें कि वो जो सेंटेंस है वो इनडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। जैसे कि वह पढ़ता है, राम जाता है, मैं खेलता हूं, ठीक है, वह देखता है, वह लिखता है, वह पढ़ता है, सबके देखिए लास्ट में ता है, ती है आ रहा है, तो यही पहचान होती है इनडेफिनिट टेंस की, ठीक है। तो यहां पर मैंने एफर्मेटिव का रूल लिख दिया है कि आप सेंटेंस कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब आई, वी, यू, देर, जो भी हो वो सब्जेक्ट होगा आपका। फिर उसके बाद आपको लिखनी होती है वर्ब, जो मैंने आपको कल बताई थी, पढ़ना, लिखना, खाना, नाचना, गाना, ये सब क्या है? वर्ब है। फिर उसके साथ SES। अब ये SES कहां लगता है ये समझे। SES जब लगेगा जब उस सेंटेंस की शुरुआत जो है ही, शी, इट या किसी सिंगुलर नाउन से हो रही है, ठीक है, तब हम जो है उस सेंटेंस की वर्ब के साथ SES लगाते हैं, ठीक है। अभी मैं एग्जाम्पल देके आपको बताऊंगा। और फिर उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लगा देना है। ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी चीज हो सकती है, जैसे कि मैं किताब पढ़ता हूं, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? इसमें है किताब, ठीक है। तो मैंने एग्जांपल भी यहां पे लिखा है कि मैं जानता हूं, लास्ट में ता हूं आ रहा है, तो इसका मतलब ये है, इसका इंग्लिश कैसे बनेगा? आई नो,
सब्जेक्ट और फिर वर्ब लगानी है तो मैंने लगा दिया आई नो, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है सेंटेंस में। लेकिन अगर मैं यहां पर यह लिखता कि मैं स्कूल जाता हूं, ठीक है, मैं बहुत ही बेसिक एग्जांपल ले रहा हूं ताकि आप जो है इसको अच्छे से समझ सकें। मैं स्कूल जाता हूं तो पहले सब्जेक्ट लिखना है मैं आई, वर्ब लिखना है आई, अच्छा मैं ले लिया, मैंने, मैं यहां पर वह लेता हूं ताकि एस और यस का यूज भी जो है आप समझ सकें। तो वह स्कूल जाता है, ठीक है, वह स्कूल जाता है तो वह को इंग्लिश में ही कहेंगे, ठीक है। फॉर्मूला कह रहा है या रूल कह रहा है कि वर्ब लगाओ, वर्ब क्या है इसमें, जाता है यानी गो। क्योंकि सेंटेंस की शुरुआत ही शी इट या किसी नाम से हो, मैंने आपको बताया था, तो उसकी वर्ब के साथ क्या लगता है, एस यस लगता है, ठीक है। तो सेंटेंस की शुरुआत किससे हुई है, ही से हुई है, तो यानी इसके साथ कुछ ना कुछ लगेगा। अगर पीछे का अक्षर, अगर पीछे का अक्षर वर्ब के ओ सी एच या एस एच होता है तो उसके साथ ई एस लगता है, ठीक है, ई एस लगता है, नहीं तो सभी वर्ब के साथ आप एस लगा सकते हैं, लेकिन इसके लास्ट में ओ है तो यहां पर लगाएंगे ई एस, ठीक है। इसीलिए मैंने एस और ई एस दोनों लिखा है यहां पर, ठीक है। तो ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल, ठीक है। तो ये हो गया इसमें ऑब्जेक्ट, क्लियर हो गया आपको, ठीक है। एक एग्जांपल मैंने दिया और एक फिर मैंने जो है सिंगुलर नाउन का भी एक एग्जांपल दे दिया कि वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल। अब इसी सेंटेंस को अगर आपको नेगेटिव में बनाना है, जैसे कि इसमें तो मैंने आपको बता दिया मैं जानता हूं, इसमें और भी टाइप के सेंटेंस बना सकते हैं आप, जैसे कि मैं पढ़ता हूं, मैं लिखता हूं, मैं नाचता हूं, मैं गाता हूं। लेकिन अगर आपको नेगेटिव बनाना हो तो आप सिर्फ उसमें नॉट नहीं लगाएंगे, आपको उसमें लगाना होता है डू और डस भी, ठीक है। तो पहले ये समझिए डू और डस कहां यूज होता है। तो डू आप जब लगाएंगे जब किसी सेंटेंस की शुरुआत इससे आई से वी से यू से या दे के साथ हो, या फिर डस आप जब लगाएंगे जब किसी सेंटेंस की शुरुआत ही शी इट या किसी के नेम से हो रही है, ठीक है। तो रूल यही कह रहा है कि पहले आप सब्जेक्ट लगाएं, फिर डू या डज में से कोई एक लगाएं, फिर नॉट लगाएं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएं और फिर ऑब्जेक्ट लगाएं, ठीक है। मैंने एक एग्जांपल लिया है, यही वाला एग्जांपल लिया अफर्मेटिव का ही, जैसे मैं जानता हूं, यहां पे मैंने बताया, यहां पे मैंने लिख दिया है मैं नहीं जानता हूं, ठीक है। तो आई, रूल क्या कह रहा है, पहले सब्जेक्ट लिखना है आई, डू और डज में से एक लगाएं, तो मैंने बताया कि आई के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा, तो आई डू, तीसरे नंबर पे रूल पे नॉट, और फिर वर्ब क्या कह रही है, नो, आई डू नॉट नो, या शॉर्ट में से आप कह सकते हैं आई डोंट नो, ठीक है। अब इसी सेंटेंस को अगर मैं नेगेटिव में बनाना चाहूं, इसमें मैंने क्या लिखा है, ही गोज टू स्कूल, लेकिन अगर मैं इसका नेगेटिव बनाना चाहूं तो यहां बनेगा ही डज नॉट गो टू स्कूल। पहली बात तो इसमें एस ई एस नहीं यूज होगा, ठीक है, एस ई एस जो है इसमें नहीं यूज होगा, और क्योंकि सेंटेंस की शुरुआत ही से हुई है और ही के साथ मैंने आपको बताया ही हो शी हो इट हो या किसी का नाम हो तो वहां पर डज लगाना है ना कि डू, ठीक है। ही डज नॉट गो टू स्कूल, क्लियर। इतना इंटरोगेटिव सेंटेंस की अगर मैं बात करूं तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में होता यह है कि यही जो सेंटेंस है इसके आगे क्या आ जाता है, यानी कि क्वेश्चन में बदल जाता है, क्योंकि इंटरोगेटिव का जो हिंदी ही होता है वो होता है प्रश्नवाचक, ठीक है ना, या प्रश्नात्मक। तो अगर आपको इसी सेंटेंस को मैं जानता हूं को इंटरोगेटिव में बदलना हो तो इसके आगे क्या लगा दूं, ठीक है, या क्या आप जानते हैं या क्या मैं जानता हूं, तो यहां पर मैंने लिख दिया है क्या तुम जानते हो, ठीक है ना, क्या लग गया, यानी ये इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गया। तो ऐसे सेंटेंस में करना ये है कि डू और डज पहले लगा देना है, जैसे कि क्या तुम जानते हो को मैंने लिख दिया यहां पर डू यू नो, क्या वह स्कूल जाता है, अभी इसी सेंटेंस को मैं इंटरोगेटिव में कन्वर्ट अगर करूं तो क्या वह स्कूल जाता है, तो यहां क्या हो जाएगा, डज ही गो टू स्कूल, डज ही गो टू स्कूल, ठीक है। तो इंटरोगेटिव में ये बन गया।